माननीय प्रधानमंत्री जी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार साल 2022 के इस पुरस्कार वितरण समारोह में हम मंत्रालय की ओर से, राष्ट्रभर के बच्चों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साल 2018 में स्थापित ये पुरस्कार हमारे देश के बच्चों को वीरता, शिक्षा, कला एवं संस्कृति, नवाचार, समाज सेवा इत्यादि सभी वर्गों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित करता है। ये हमारे लिए एक सुखद संयोग है कि आज आपका शुभाशीष प्राप्त करने वाले पुरस्कृत बच्चों में से 14 बेटियां हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इससे बड़ा आशीर्वाद हम सबको प्राप्त करने की कभी भी हमने सोची भी नहीं थी। प्रधानमंत्री जी, देश भर से 623 बच्चे अपने अभिभावकों के साथ इस पुरस्कार को प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ हमसे जुड़े। आज उनमें से 29 बच्चों को आपके हाथों से पुरस्कार प्राप्त होगा। इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार डिजिटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जाएगा। आज विशेषतः हम IIT कानपुर को आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपके दिशा निर्देश पर, आपके आशीर्वाद के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से 21 राज्यों में हमारे इन पुरस्कृत बच्चों को सम्मान प्राप्त होगा। आपकी अनुमति से एक छोटी सी फिल्म इस विषय पर हम राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहेंगे। स्वर्णिम भारत के स्वप्न को साकार करने में बच्चों की प्रतिभा की पहचान और प्रोत्साहन की भूमिका अहम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसी सोच से प्रेरित महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से आरंभ हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का लक्ष्य उन बच्चों को सम्मानित करना है जिन्होंने आसानी को भूलकर साहस को चुना, अपनी नई सोच से नया कुछ बुना, नई ऊंचाई पाने को नया रास्ता चुना। इन बच्चों पर देश को अभिमान है क्योंकि इनके ही सपनों से भारत का भविष्य महान है। नवाचार, वीरता, शैक्षिक उपलब्धि, समाज सेवा, कला और संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 6 श्रेणियों में बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 5 से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए की राशि और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। विजेता बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से 2021 व 2022 के पुरस्कार विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जनरेटेड सर्टिफिकेट पूरी तरह से सुरक्षित है। ये अनूठा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 व 2022 के सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी, डिजिटल इंडिया के इस सुखद प्रयासों के माध्यम से आज राष्ट्रभर में 29 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। आपकी अनुमति से हमारे इन बच्चों की उपलब्धियों पर एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है। आपके आशीर्वाद से उसे राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मंच समर्पित है उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा और प्रयास आज देश के करोड़ों बच्चों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं।
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के कला एवं संस्कृति में विजेता हैं कुमारी गौरी महेश्वरी, उम्र 13 वर्ष, अजमेर राजस्थान। 6 वर्ष की उम्र से कैलीग्राफी की शुरुआत की और कई कीर्तिमान स्थापित किए। मास्टर सईद फतीम अहमद, उम्र 13 वर्ष, बेंगलुरु अर्बन कर्नाटक, वेस्टर्न क्लासिकल पियानो वादक। इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। कुमारी रिमोना एविटी परेरा, उम्र 15 वर्ष, कर्नाटक, भरतनाट्यम की युवा कलाकार। गोल्डन बुक, इंडिया बुक और भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। मास्टर दौलस लंबा मायुंग, उम्र 13 वर्ष, इम्फाल ईस्ट मणिपुर। पेंटिंग और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाया है और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मास्टर देवी प्रसाद, उम्र 14 वर्ष, मल्लापुरम केरल, युवा कर्नाटक संगीत वादक। इन्हें मृदंगम बजाने में महारत हासिल है। मास्टर धृतिष्मन चक्रवर्ती, उम्र 5 वर्ष, शिवसागर असम। एक अद्भुत गायक जो 5 अलग अलग भाषाओं यानी असमिया, संस्कृत, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में गा सकते हैं। वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं कुमारी गुरुगु हिमाप्रिया, उम्र 12 वर्ष, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। जम्मू के सुंजवान मिल कैंप में आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने पर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों को 4 से 5 घंटे तक उलझाए रखा। कुमारी शिवांगी काले, उम्र 6 वर्ष, जलगांव महाराष्ट्र। कम उम्र में अपनी निडरता और सूझबूझ दिखाकर अपनी बहन और माँ को बिजली का करंट लगने से बचाकर उनकी जान बचाई। मास्टर धीरज कुमार, उम्र 14 वर्ष, पश्चिम चंपारण बिहार। इन्होंने निडर होकर मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी और अपने छोटे भाई की जान बचाने में सफल हुए। नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं कुमारी विशालिनी एनसी, उम्र 6 वर्ष, विरुगुनगर तमिलनाडु। बाढ़ आपदा जीवन रक्षक उपकरण का आविष्कार किया जो पानी में तैरता है, जिसे व्यक्ति को डूबने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कुमारी जोई अभिजीत केसकर, उम्र 15 वर्ष, पुणे महाराष्ट्र। पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए पहनने योग्य एक दस्ताने की तरह उपकरण बनाया है, जिसे जे ट्रेमर 3D कहा जाता है। मास्टर शिवम रावत, उम्र 16 वर्ष, उधम सिंह नगर उत्तराखंड। भारतीय सरसों के पौधे पर तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि की। कुमारी बनीता दास, उम्र 15 वर्ष, नवरंगपुर उड़ीसा। इन्होंने एक क्षुद्र ग्रह की खोज की। इन्हें नासा और IEASC द्वारा नागरिक वैज्ञानिक का दर्जा प्रदान किया गया है। कुमारी पुहाबी चक्रवर्ती, उम्र 15 वर्ष, पश्चिम त्रिपुरा त्रिपुरा। स्पाइरोमीटर को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की दिशा में काम किया, जिससे कोविड रोगियों को मदद मिलेगी। कुमारी अस्वाथा बीजू, उम्र 13 वर्ष, चेंगलपट्टू तमिलनाडु। ये एक जीवाश्म विज्ञानी है। इन्होंने गौशालाओं और जीवाश्म प्रदर्शनों का आयोजन कर जीवाश्मों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना शुरू किया। मास्टर तनिष सेठी, उम्र 14 वर्ष, सिरसा हरियाणा। इन्होंने एक मोबाइल ऐप विकसित किया जिससे पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री हो सके। शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मास्टर अवि शर्मा, उम्र 12 वर्ष, इंदौर मध्य प्रदेश। वंडर बॉय के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेखक, प्रेरक वक्ता, वैदिक गणित के सबसे युवा संरक्षक, सबसे कम उम्र के समाचार एंकर और अभिनेता हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं मास्टर आकर्ष कौशल, उम्र 16 वर्ष, करनाल हरियाणा। महामारी के चरम के दौरान जब रोगियों को उनकी RT-PCR रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, इन्होंने करनाल जिले के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद की। मास्टर मेघांश कुमार गुप्ता, उम्र 11 वर्ष, जालंधर पंजाब। इन्होंने 2020 में coronafreeworld.com साइट लॉन्च किया। मास्टर अभिनव कुमार चौधरी, उम्र 15 वर्ष, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। इन्होंने 10,000 से अधिक उन छात्रों को किताबें प्रदान की जो किताबें खरीद नहीं सकते थे।
मास्टर पल साक्षी, उम्र 8 वर्ष, सारण बिहार, पीएम केयर फंड भारत सरकार के लिए, एफबी म्यूजिकल चैरिटी शो के माध्यम से धनराशि जुटाएं। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं कुमारी जिया राय, उम्र 13 वर्ष, मुंबई महाराष्ट्र, ओपन वाटर पैरा स्विमर और ओपन वाटर स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मास्टर तेलुकुंटा विराट चंद्र, उम्र 7 वर्ष, हैदराबाद तेलंगाना, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही हैं। कुमारी श्रिया लोहिया, उम्र 13 वर्ष, मंडी हिमाचल प्रदेश, सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स कार्टिंग रेसर, 7 राष्ट्रीय ट्रॉफियों के विजेता। कुमारी अनवी विजय झंझारुकिया, उम्र 13 वर्ष, सूरत गुजरात। कई स्वास्थ्य चुनौतियां होने के बावजूद इन्होंने योग में नया मकाम हासिल किया और 32 से अधिक योग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 21 से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए। मास्टर चंद्र सिंह चौधरी, उम्र 12 वर्ष, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विजेता रह चुके हैं। इन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए 96 घंटे स्केटिंग चलाने का भी रिकॉर्ड स्थापित किया है। मास्टर स्वयं पाटिल, उम्र 14 वर्ष, नाशिक महाराष्ट्र, 10 साल की उम्र में 5 किलोमीटर और 13 साल की उम्र में 14 किलोमीटर तैर कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कुमारी तरुषि गौर, उम्र 12 वर्ष, चंडीगढ़, ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, भारत की सबसे कम उम्र की फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट गर्ल हैं। कुमारी आरुषि कोटवाल, उम्र 17 वर्ष, डोडा जम्मू और कश्मीर, एशियन स्कूल साउथ एशियन एमेच्योर और एशियन स्कूल ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हम सबको ज्ञात है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से साल 2021 के हमारे सम्मानित बच्चे सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर पाए। जैसा कि आप सबको अवविदित है, आईआईटी कानपुर के सौजन्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज सर्टिफिकेट्स वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि साल 2021 के 32 पुरस्कृत बच्चों को आज आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके सर्टिफिकेट्स प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र उनके मोबाइल फोन पर डिजिटली प्रदान किए गए। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि साल 2022 के 29 पुरस्कृत बच्चों को आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र उनके मोबाइल फोन पर डिजिटली प्रदान किए गए। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी, आज के इस पुरस्कार वितरण समारोह की सबसे अनोखी बात है कि बच्चों को मौका मिलेगा आपसे संवाद करने का। राष्ट्रभर से 21 राज्यों से 29 हमारे पुरस्कृत बच्चे आज अपने अभिभावकों के साथ इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थित हुए हैं। आपका अगर हमको परमिशन मिले प्रधानमंत्री जी, तो इनमें से कुछ बच्चे आतुरता से इंतजार कर रहे हैं आपसे संवाद करने के लिए। आपकी अनुमति से प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले संवाद की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश से मास्टर अवि शर्मा को। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। नमस्कार। अभी आप लेखक भी हैं,
व्याख्यान भी देते हैं, आपने बाल्मुखी रामायण भी लिखी है जी। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? सर ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहम पशु कौंतेया प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम रशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। सो इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है और यह मेरे माता पिता सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पा। अच्छा ये बताइए अभी कि रामायण में के संबंध में लिखने का ख्याल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया? सर इसकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं। लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग खासकर हम बच्चे पूरी तरीके से हताश हो गए थे, तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई और जब मैंने रामायण देखी तो मैं रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। मैंने पहले भी रामायण का श्रवण किया था, पठन किया था, परंतु जब मैंने रामायण को देखा तब मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बाल्मुखी रामायण 250 छंदों में लिखी, ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं, तो पेशेंस, ओबीडियंस, तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार कर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन के कुछ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह छंद ऐसे है, देवनान किए विनती जब हरिजन में माँ धरती पर, तब दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया, अवध राज के चार दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा अभी आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया, रामायण में वो कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आप पर आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? सर ऐसे तो एक ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती है। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही है। अभी परिवार में सब तंग आ जाते होंगे, दिन भर तुम्हें रामायण रामायण करते रहते होंगे, तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे? नहीं सर, सौभाग्य से मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण, महाभारत, गीता इन सब का चीज सुनी। और श्रीमद् भागवतम में 7वें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है। तो घर में भी, घर में भी जैसे कोर्ट के अंदर वकील धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करते लड़ाई लड़ते हो क्या? नहीं सर, शास्त्रों का तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ, परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ। मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों, भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ और यह बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय कल्चर है कितना ग्लोरियस है, कितना रिच है वह, और हम कितने आगे हैं। क्या अभी ये मध्य प्रदेश के पानी में ही कोई विशेषता है क्या, इस प्रकार के बच्चे तैयार होते हैं? जी हाँ सर, यह मालवा भूमि तो इतनी सुंदर रही है, इसने लता मंगेशकर मैम इतने बड़े बड़े इन्होंने वीर दिए हैं, देवी अहिल्या बाई। मैं आपको आपको एक घटना सुनाता हूँ जी। आपके एक मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है जी।
वो बहुत छोटी थी तब वो व्याख्यान करती थी जी। तो गुजरात में अहमदाबाद में उनका मणिनगर इलाके में व्याख्यान था, आज से करीब 45-50 साल पुरानी बात है। अच्छा। अखबारों में बहुत चर्चा होती थी तो हम भी सुनने के लिए चले गए। अच्छा। और मैं हैरान था उतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह वक्तव्य देती थी, जिस प्रकार से शास्त्रों का बहुत ही सटीक रूप में उल्लेख करती थी, संस्कृत बोल लेती थी, चौपाइयाँ गा लेती थी और अपनी बचपना की हरकतें भी करती थी मंच पे बैठे बैठे, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत 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 साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत छोटी थी तो मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं। चलिए आपके माताजी पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि उन्होंने आपको संस्कारित किया, आपको एक नई ऊर्जा दी। और बहुत कम माँ बाप होते हैं जो इस प्रकार के काम में बच्चे को जाने दे वरना रोक लेंगे। देखिए आपकी उम्र और आपके आपका काम इस बात को साबित करते हैं कि बड़े काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है। आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप जो भी करें पूरा मन लगाकर करें, इस सोच के साथ करें कि मेरा काम देश को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पद प्रतिष्ठा आपकी उपलब्धियां भी कभी कभी आप पर दबाव बनाती है, किसी भी चीज का दबाव खुद पर ना आने दे। आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना आशीष हमेशा मुझ पर बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश की पुण्य धरती से अब आपको डिजिटली ले जाना चाहेंगे कर्नाटका, जहां पर आपसे संवाद करने के लिए आतुर हैं कुमारी रिमोना इवेट परेरा। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। नमस्कार सर। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, सबसे पहले मैं आपको और देश भर की बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रेमोना जी, आपने जी 3 वर्ष की आयु से नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रैक्टिस शुरू की जी, आपने खुद को लगातार कैसे प्रेरित किया? क्या घर के लोग सुबह उठा उठा करके करवाते थे कि खुद के मन में कुछ इच्छा होती थी? जी सर, एक्चुअली मेरे मम्मा बहुत इंटरेस्टेड थे डांस में, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था डांस के बारे में, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था और उनको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा थोड़ा थिंग्स सिखाया था जो इंडियन क्लासिकल आर्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सब वहाँ से मेरे को भी इंटरेस्ट आया कि मुझे भी सीखना है इंडियन कल्चर के बारे में और इंडियन कल्चर में कितना रंग और उसका रिचनेस जो है वो मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। अच्छा, ये सीखने में काफी कठिनाई आई होगी, कई बड़ी मुश्किलें आई होगी, तो परिवार का सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता है जी। तो कैसी कैसी कठिनाई आई है कुछ बता सकती हो आप, कैसे रास्ते निकाले? जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पिताजी नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उसके वजह से मम्मा को बहुत कठिनाई है और प्लस हम लोग 2 बच्चे हैं, मैं और मेरे भैया, तो इन एजुकेशन फील्ड बहुत मुश्किल था और बट फिर भी मम्मा ने कुछ ये बिना सोच के उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने मेरे को एक डांस क्लास में डाला और एजुकेशन दिया और मेरे को डांस फील्ड में ये सब सोच के तो ऐसा नहीं होता है सर कि मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे भी एक है कि मेरे को भी मेरा मामा का नाम ऊंचा करना पड़ेगा और मेरे गुरुओं का नाम, तो इसलिए बहुत कठिनाई थी सर। देखिए, मैं पहले तो आपकी माताजी को प्रणाम करता हूँ।
आप कितनी भाग्यवान है कि माँ ने अपने जीवन में जो संकट आया उस संकट के बीच भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, और मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो, जी ये सुनकर के ही डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है? सर फर्स्ट तो मुझे बहुत डर लगा, बट बाद में मामा ने उससे उसको लेके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने नाचा उसके ऊपर, बाद में मेरे को ब्रेवरी दिया कि रमोना कुछ नहीं होगा जा बोल के, तो बाद में बहुत सालों लगा सर गांच के ऊपर जस्ट खड़े होने के लिए, बहुत गांच पीसेस पैर के अंदर गए हैं, बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्ट भी था अंदर कि मुझे सीखना है बोल के। रेवना जी आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है, और इसके लिए आपके साथ ही जैसा मैंने कहा आपकी माताजी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारे देश से, हमारा जो देश का सॉफ्ट पावर है उसकी अपनी एक अहमियत है, और उसकी जितनी शक्ति मिलेगी देश की शक्ति को प्रकट करने का एक रास्ता खोल देती है। इस सोच को आप जैसे युवा कलाकार पूरी तरह समर्पण भाव से, क्योंकि ये कला एक प्रकार की साधना है, एक तपस्या है जो आपने प्राप्त की है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी एक बेटी का अभिनंदन करने के साथ साथ आज आपने उनके माँ के त्याग और माँ की अभिलाषाओं को भी प्रणाम किया है, उसके लिए मैं हम सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। एक और बेटी त्रिपुरा से आपसे संवाद के लिए जुड़ना चाहेगी, उनका नाम है पूहबी चक्रवर्ती। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। वो भी बताइए, आप तो बहुत इनोवेशन करती रहती हो, सुना है हमने। जी सर। बताइए। सर मेरा इनोवेशन एक्चुअली दो किया है, एक है स्पाइरोमीटर नाम की एक चीज है जिसके लिए मैंने एक GUI बनाया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो जो COVID-19 के लोग होते हैं उनके लंग्स बहुत खराब होते हैं, मतलब अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे भी हो या पहले भी, तो क्योंकि COVID-19 सबसे पहले लंग्स को ही प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने ये GUI इसलिए बनाया है ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनके लंग्स को जाके पंप करे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा जो दूसरा इनोवेशन है वो एक ऐप है जिसका नाम है एथलेटिक्स फॉर द आत्मनिर्भर एथलीट। सर मैं खुद भी एक एथलीट हूँ और मैं कैराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ, उसी के साथ साथ मैं इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब मैं वहाँ पे खेलने जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ऐसे एथलीट्स थे जिसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जो स्पेशली इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइटिशियन नहीं मिलते थे या मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होता था। तो इसलिए मैंने उन लोग के लिए एक ऐप बनाई जो शायद एक महीने बाद प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा, ताकि जो रूरल बैकग्राउंड से है या जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से है वो भी वही चीज़ मिल सके, उस हिसाब का डाइटिशियन या उस हिसाब का मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ मिल सके जो एक अमीर बच्चों को मिलेगा और एक अमीर एथलीट को। वो भी ये जो तुम्हारी दूसरी ऐप है वो क्या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम आएगी कि कॉमन मैन को भी काम आएगी? सर कॉमन मैन को भी काम आएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए देश भर में जो अभियान चल रहा है हमारे स्मृति जी के नेतृत्व में, देश भर में कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है,
तो उसमें आपके ये ऐप का उपयोग हो सकता है? हाँ सर, ऐप का उपयोग हो सकता है। तो आपने सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, योजनाएं हैं, उसको स्टडी किया है? हाँ सर, कुछ कुछ मैंने किया है जब मैंने ये ऐप डेवलप किया था। अगर उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत उपयोगी होगा, और कुछ स्टार्टअप वाले पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, स्टार्टअप वाले अपना स्टार्टअप बना देंगे। अच्छा, आप ये सारा काम करती हो? हाँ सर। तो तुम्हारे स्कूल का ये एनवायरनमेंट है, मित्रों का है कि परिवार का है? सर सभी का ही है, स्कूल से भी बहुत सपोर्ट मिलता है, जब भी छुट्टी मांगू दे देते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे फैमिली स्पेशली मेरी दीदी मुझे हमेशा बोलती है और हमेशा सपोर्ट करती है कि स्कूल के परसेंटेज थोड़ा कम आए फिर भी ठीक है, फिर भी इनोवेशन में तू ध्यान दे, तो सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी तुम्हारे साथ कौन कौन बैठा है? सर मेरे पापा है और मेरी मम्मी है। चलिए उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये तुम्हारी छोटी बहन है? नहीं सर, ये 2021 के अवार्डी है। अच्छा सर। अच्छा, आप लेबोरेटरी में या अपने कंप्यूटर पे दुनिया खपाती रहती हो, डिजिटल डिवाइसेस पर खेलती रहती हो, और फिर खेलकूद के मैदान में भी चली जाती हो, क्या बात है? हाँ सर, सर मैं मानती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी हर लड़कियों को या हर किसी इंसान को जाना चाहिए, और स्पेशली सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करती हूँ सर। चलिए भी, आप एक खिलाड़ी भी हैं, इनोवेशन भी करती हैं, और आपके मन में लोगों के लिए प्यार भी है, न्यूट्रिशन की चिंता करती है, आपने बहुत ही प्रेरक काम किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके परिवारजनों को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। नवाचार की दुनिया से प्रधानमंत्री जी अब आपका डिजिटली परिचय करवाना चाहेंगे एक वीर बालक से। बालक का नाम है धीरज कुमार, जो जुड़ रहे हैं हमसे बिहार से। माननीय नमस्कार सर। धीरज नमस्ते जी सर। चलिए, आपका नाम तो बड़ा धैर्य से भरा हुआ है जी। धीरज बताइए, आपके साथ जो घटना घटी उसका जरा विस्तार से बताइए, कैसे सामना किया आपने? हम दोनों भाई गए थे भैंस धोने के लिए, तो हम नदी किनारा बैठ गए, हमारा भाई भैंस धोने लगा तो अभी अचानक से मगरमच्छ आया और हमला बोल दिया उस पे, तो चिल्लाया तो मैं गया तो मेरे गोड़ में लोंगड़ी से मार दिया, तभी मैं घायल हो गया था, तभी के भी उनको घींच कर घर ले आए और घर से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में बेतिया लेकर आए। चुपचाप रहा। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। अच्छा, तो ये आपका छोटा भाई था जी। तो उस भाई को याद है सारा कैसे हुआ था, और अब याद करता है उस भाई को, डर लगता है कि अभी हिम्मत आ गई है? डर लगता है, नदी के पास नहीं जाता है वो। अच्छा, घटना जब इतनी हुई, खून दिखता होगा, मगर इतना बड़ा दिखता होगा, तो आपको डर नहीं लगा? आपके दिमाग में क्या विचार आया उस समय? उस समय मेरा दिमाग में खाली मेरा भाई लौक रहा था, अगल बगल कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा हिम्मत आई है, अब तो लोग तुम्हें अखबारों में नाम छप गया, लोग तुम्हें बातें करते होंगे, तो क्या तुम्हारा भी कोई पसंदीदा कोई सुपर हीरो है क्या जी? हैं? ऐसा नहीं है कुछ मन में? आपका सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं तो, आपने जो साहस दिखाया, अपने परिवार की जो चिंता की, अपने भाई को बचाया, वो भाई होना वो एक बात है, लेकिन इस प्रकार से ऐसे समय साहस और समय सूचकता के साथ, और उसमें साहस भी चाहिए, संयम भी चाहिए, और बहुत बुद्धि के तरीके से आपने अपने भैया को निकाल लिया। मैं समझता हूं कि आप जैसे बालक ऐसी घटनाओं में जब अपने भीतर की सारी शक्ति को
उपयोग करते हुए किसी की जिंदगी बचा देते हैं तो अपने आप में एक प्रेरक बन जाती हैं। आगे क्या बनने के लिए सोच रहे हो धीरज? फौजी बनकर देश का सेवा करना। फौज में जाना है जी। चलिए फिर तो देशभक्ति भी उतनी भरी पड़ी है आपके अंदर। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी, धीरज के बाद अब वीरों का प्रदेश पंजाब आतुरता से आपकी राह बांट रहा है, जहां पर समाज सेवा के लिए पुरस्कृत मेधांश कुमार गुप्ता आपसे संवाद करना चाहेंगे। मेधांश नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मेधांश बताइए, एक तो खुद के विषय में बताइए और अपने साथ कौन कौन बैठे हैं वो भी बता दीजिए। सर सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आपके साथ बात करने का एक शुभ अवसर मिला, सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर जो मेरा मेन फील्ड है जिसमें मैंने काम किया है वो मेरा आईटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी में, तो मैंने उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एंड जो मैंने अपना मेन वर्क किया है वो मैंने कोरोना टाइम के अंदर किया है, बिकॉज लोग काफ़ी पैनिक क्रिएट कर रहे थे कि लोगों को पता नहीं था कोरोना क्या होता है, तो उसके लिए मैंने अपने फील्ड के अंदर दायरे में रहकर मैंने लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसके अंदर लोगों को सारी जानकारी मिलती थी कोरोना के लिए। एंड उसके साथ मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर लोग जुड़े थे तुम्हारे साथ? सर उसके अंदर काफी लोग जुड़े थे ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग राज्यों से। एंड सर मेरे साथ अभी मेरे मदर बैठे हैं एंड मेरे फादर एंड डीएम मैम एंड उनके अधिकारी बैठे हैं। तो ये आपको आदत किसने डाली, माँ बाप ने डाली है, स्कूल में कॉलेज में डाली, क्या हुआ? सर मुझे जो मेरे को एक अवसर मिला वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला, क्योंकि वो भी आईटी के अंदर ही है उनका फील्ड, तो उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सप्लोर किया, सिखाया। एंड मुझे मेरे फादर से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी काम किया सोसाइटी के लिए। अच्छा, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आप नौकरी करना चाहेंगे या कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे? सर मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंपनी के अंदर मैं और जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको कोडिंग सिखाऊं। एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं फेसबुक गूगल, तो मैं भी उनकी तरह कुछ डेवलप करूँ और समाज की सेवा कर सकूँ। मेधांश आपको देखकर मुझे ये लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हम देश के युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में उनको कैसे उस तरफ आकर्षित करें, उस स्टार्टअप की दुनिया में आए, वो स्वयं एक प्रकार से जॉब क्रिएटर बने और देश की ताकत को बढ़ावा दे। आपने अपने काम से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता और उससे कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई, आपके सपने पूरे हो और आप बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। प्रधानमंत्री जी, आपका विशेष आग्रह रहा है कि बच्चों को खेलकूद की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। आपने विशेष रूप से उन बेटियों का अभिनंदन किया है जिन्होंने खेल जगत में हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। आज खेल के जगत से एक छोटी सी बेटी आपके हस्तों से पुरस्कृत भी हुई और अब संवाद के लिए आतुर है। मैं आपकी अनुमति से तारुषी गौर को आमंत्रित करना चाहूंगी चंडीगढ़ से। तारुषी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तारू जी, पहले लोग कहा करते थे कि खेल खेलने से पढ़ाई में बाधा आती है, आपको क्या लगता है, सच है क्या? आप पढ़ाई और खेल में तालमेल कैसे बिठाती हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई और खेल दोनों ही हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। दोनों का अपना एक अच्छा, एक अलग महत्व होता है। पढ़ाई करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं,
और खेल से तो हम अपने देश का गौरव कर सकते हैं, हम देश को ऊंचा नाम दे सकते हैं। तो पढ़ाई और खेल दोनों करते हुए हम अपने देश को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं और देश को प्राउड भी कर सकते हैं। आपके साथ कौन कौन है तारुषे? सर मेरे साथ मेरे माता पिता हैं और हमारे राज्य के डीसी सर हैं। अच्छा, तो तारुषे ये विचार सब कहाँ से आया तुम्हें? चंडीगढ़ कब से रहती हो? सर मैं काफी समय से चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हुई हूँ और उसके साथ साथ मैंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करके चंडीगढ़ के लिए गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आप मैरी कॉम को अपना आदर्श मानती हैं, और उनकी कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? सर मैरी कॉम की अनेक खूबियां हैं, अगर मैं बताने लगूं तो पूरी मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। मुझे मैरी कॉम इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे को सिखाती है कि हमारी लाइफ में, हमारे स्पोर्ट्स में कितनी भी स्ट्रगल आए, कितनी भी डिफिकल्टी आए, हमें उसे पार करके अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। उन्होंने इंडिया का नाम भी प्राउड किया है और उसके साथ साथ वो एक एक्सलेंट मदर भी हैं, वाइफ और बेटी भी हैं। तो वो अपने खेल और पर्सनल लाइफ के बीच में बहुत अच्छे से बैलेंस भी करती हैं। तारुषी आप इतनी सीरियस सीरियस बातें क्यों करती हो? सर मैं सीरियस बातें नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे देश का नाम ऊंचा करना है, इसलिए मैं डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ड्रीम पे ही एम करूँ। अच्छा, पहली बार विदेश गई तब उम्र कितनी थी तुम्हारी? सर इस समय, इस उम्र में मैं अभी विदेश नहीं गई हूँ क्योंकि अभी तक एज कैटेगरी नहीं थी। तो मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ जिसको डिग्री वन ब्लैक बेल्ट और ब्लैक बेल्ट डिग्री टू भी मिली है। देखिए, आपने छोटी सी उम्र में बहुत सी उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से हमारी कोशिश यही है कि हम अपने खिलाड़ियों को हर तरह से सपोर्ट करें। इससे भी बड़ी कोशिश है कि हम ये भाव जगा सके कि हमारे खिलाड़ी दुनिया में किसी भी स्तर पर संघर्ष करते रहें, जीतते रहें और जीत सकते हैं। आप जैसे युवा खिलाड़ियों को देखकर मुझे बहुत संतोष होता है। आपने जो लक्ष्य बनाया है उसमें पूरा देश आपके साथ है। आप जम करके मेहनत कीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, इस संवाद के लिए हर बच्चे की ओर से, उनके अभिभावकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करने के साथ साथ अब आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में मात्र सर्टिफिकेट नहीं बल्कि हर बच्चे को उनके बैंक के अकाउंट में आप 1,00,000 रुपए की राशि भी देते हैं। आप इस राशि को डिजिटली ट्रांसफर करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 2022 के सभी विजेताओं के अकाउंट में 1,00,000 रुपए की पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी, आज मात्र पुरस्कृत बच्चे ही नहीं बल्कि देश भर से, सभी प्रदेशों से बच्चे, उनके अभिभावक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। हम सब अभिलाषी हैं कि आपके शुभाशीष इस अवसर पर हम प्राप्त करें। कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के हमारे साथी स्मृति ईरानी जी, डॉक्टर महेंद्र भाई, सभी अधिकारीगण, सभी अभिभावक एवं शिक्षकगण और भारत के भविष्य, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपसे आपके अनुभवों के बारे में जानने को भी मिला।
कला संस्कृति से लेकर वीरता, शिक्षा से लेकर इनोवेशन, समाज सेवा और खेल जैसे अनेक विविध क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड मिले हैं। और ये अवार्ड एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं, उसमें से आपको आपका नंबर लगा है। मतलब कि अवार्ड पाने वाले की संख्या भले कम है, लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरंपार है। आप सबको एक बार फिर इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं देश की सभी बेटियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपके साथ साथ मैं आपके माता पिता और आपके टीचर्स को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपकी हर सफलता आपके अपनों की भी सफलता है। उसमें आपके अपनों का प्रयास और उनकी भावनाएं शामिल हैं। मेरे नौजवान साथियों, आपको आज ये जो अवार्ड मिला है, ये एक और वजह से भी बहुत खास है। ये वजह है उन पुरस्कारों का अवसर। देश इस समय अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है। आपको ये अवार्ड इस महत्वपूर्ण कालखंड में मिले हैं। आप जीवन भर गर्व से कहेंगे कि जब मेरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब मुझे ये अवार्ड मिला था। इस अवार्ड के साथ आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। अब दोस्तों की, परिवार की, समाज की, हर किसी की आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं का आपको दबाव नहीं लेना है, इनसे प्रेरणा लेनी है। युवा साथियों, हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों ने, बेटे बेटियों ने हर युग में इतिहास लिखा है। हमारी आजादी की लड़ाई में वीर बाला कनकलता बरुआ, खुदीराम बोस, रानी गाइडिनल्यू जैसे वीरों का ऐसा इतिहास है जो हमें गर्व से भर देता है। इन सेनानियों ने छोटी सी उम्र में ही देश की आजादी को अपने जीवन का मिशन बना लिया था, उसके लिए खुद को समर्पित कर दिया था। आपने टीवी देखा होगा, मैं पिछले साल दिवाली पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में गया था। वहां मेरी मुलाकात श्रीमान बलदेव सिंह और श्रीमान बसंत सिंह नाम के ऐसे वीरों से हुई जिन्होंने आजादी के बाद, आजादी के तुरंत बाद जो युद्ध हुआ था कश्मीर की धरती पर, अभी तो इनकी उम्र बहुत बड़ी है, तब वो बहुत छोटी उम्र के थे, और उन्होंने
उस युद्ध में बाल सैनिक की भूमिका निभाई थी और हमारी सेना में पहली बार बाल सैनिक के रूप में उनकी पहचान की गई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उतनी कम उम्र में अपनी सेना की मदद की थी। इसी तरह हमारे भारत का एक और उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का शौर्य और बलिदान। साहिबजादों ने जब असीम वीरता के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ, पूर्ण समर्पण भाव से बलिदान दिया था तब उनकी उम्र बहुत कम थी। भारत की सभ्यता, संस्कृति, आस्था और धर्म के लिए उनका बलिदान अतुलनीय है। साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में देश ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भी शुरुआत की है। मैं चाहूंगा कि आप सब और देश के सभी युवा वीर साहिबजादों के बारे में जरूर पढ़ें। आपने ये भी जरूर देखा होगा कल दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिजिटल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नेताजी से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कर्तव्य की, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की। नेताजी से प्रेरणा लेकर हम सबको और युवा पीढ़ी को विशेष रूप से देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। साथियों, हमारी आजादी के 75 साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे सामने अपने अतीत पर गर्व करने का, उससे ऊर्जा लेने का समय है। ये समय वर्तमान के संकल्पों को पूरा करने का है। ये समय भविष्य के लिए नए सपने देखने का है, नए लक्ष्य निर्धारित करके उन पर बढ़ने का है। ये लक्ष्य अगले 25 सालों के लिए है, जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। अब आप कल्पना कीजिए, आज आप में से ज्यादातर लोग 10 और 20 के बीच की उम्र के हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे तब आप जीवन के उस पड़ाव पर होंगे, तब ये देश कितना भव्य, दिव्य, प्रगतिशील ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख शांति से भरा हुआ होगा। यानी ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए है, आपकी पीढ़ी और आपके लिए है। अगले 25 सालों में देश जिस ऊंचाई पर होगा, देश का जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी युवा पीढ़ी की है। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो बोया, उन्होंने जो तप किया, त्याग किया, उसके फल हम सबके नसीब हुए हैं। लेकिन आप वो लोग हैं, आप एक ऐसे कालखंड में पहुंचे हैं, देश आज उस जगह पे पहुंचा हुआ है कि आप जो बोएंगे उसके फल आपको खाने को मिलेंगे। इतना जल्दी से बदलाव होने वाला है, इसलिए आप देखते होंगे कि आज देश में जो नीतियां बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सबके केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं। आप किसी सेक्टर को सामने रखिए, आज देश के सामने स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है, स्टैंडअप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभियान हमारे सामने है, मेक इन इंडिया को गति दी जा रही है।
आत्मनिर्भर भारत का जन आंदोलन देश ने शुरू किया है। देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, हाई स्पीड एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। ये प्रगति, ये गति किसकी स्पीड से मैच करती है? आप लोग ही हैं जो इन सब बदलावों से खुद को जोड़कर देखते हैं, इन सब के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं। आपकी ही जनरेशन भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इस नए दौर के लीड कर रही है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ, हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है। ये सीईओ कौन है? हमारे ही देश के संतान है, इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब से कुछ समय बाद भारत अपने दमखम पर पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने वाला है। इस गगनयान मिशन का दारोदमार भी हमारे युवाओं के पर ही है। जो युवा इस मिशन के लिए चुने गए हैं वो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हमने देखी है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने दुनिया में लीड लेते हुए देश को वैक्सीन दी। हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी बिना डरे बिना रुके देशवासियों की सेवा की। हमारी नर्सेस गांव गांव मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर लोगों वैक्सीन लगा रही हैं। ये एक देश के रूप में साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल है। इसी तरह सीमाओं पर डटे हमारे सैनिकों की वीरता को देखिए। देश की रक्षा के लिए उनकी जांबाजी हमारी पहचान बन गई है। हमारे खिलाड़ी भी आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो भारत के लिए कभी संभव नहीं माने जाते थे। इसी तरह जिन क्षेत्रों में बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी, बेटियां आज उनमें कमाल कर रही। यही तो वो नया भारत है जो नया करने से पीछे नहीं रहता। हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। साथियों, आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इससे आपको पढ़ने में सीखने में और आसानी होगी। आप अपनी पसंद के विषय पढ़ पाएं, इसके लिए भी शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश भर के हजारों स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही बच्चों में इनोवेशन का सामर्थ्य बढ़ा रही है।
साथियों, भारत के बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने हमेशा साबित किया है कि वो 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं। मुझे याद है चंद्रयान के समय मैंने देश भर के बच्चों को बुलाया था, उनका उत्साह, उनका जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भारत के बच्चों ने अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी अपनी आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया है। 3 जनवरी के बाद से सिर्फ 20 दिनों में ही 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ये दिखाता है कि हमारे देश के बच्चे कितने जागरूक हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय, ये श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं। आप लोगों ने घर घर में बाल सैनिक बनकर के, स्वच्छाग्रही बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। घर के लोग स्वच्छता रखें, घर के भीतर और बाहर गंदगी ना हो, इसका बीड़ा बच्चों ने खुद उठा लिया था। आज देश के बच्चों से एक और बात के लिए सहयोग मांग रहा हूं, और बच्चे मेरे साथ देंगे तो हर परिवार में परिवर्तन आएगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे नन्हे मुन्ने साथी, यही मेरी बाल सेना, मुझे इस काम में बहुत मदद करेगी। जैसे आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए। आप घर में बैठकर के, सब भाई बहन बैठकर के एक लिस्ट बनाइए, गिनती करिए, कागज लेकर के देखिए, सुबह से रात देर तक आप जो चीजों का उपयोग करते हैं, घर में जो सामान है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में नहीं बने हैं, विदेशी हैं। इसके बाद घर के लोगों से आग्रह करें कि भविष्य में जब भी वैसा ही कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए तो वो भारत में बना हो, उसमें भारत के मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के युवा के पसीने की सुगंध हो। जब आप भारत में बनी चीजें खरीदेंगे तो क्या होने वाला है, एकदम से हमारा उत्पादन बढ़ने लग जाएगा, हर चीज में उत्पादन बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के भी लिए नए अवसर बनेंगे, जब रोजगार बढ़ेंगे तो आपका जीवन भी आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का अभियान, हमारी युवा पीढ़ी, आप सभी से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज से 2 दिन बाद देश अपना गणतंत्र दिवस भी मनाएगा। हमें गणतंत्र दिवस पर अपने देश के लिए कुछ नए संकल्प लेने हैं। हमारे ये संकल्प समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के भविष्य के लिए हो सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण का उदाहरण हमारे सामने है, भारत पर्यावरण की दिशा में आज इतना कुछ कर रहा है और इतना लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप उन संकल्पों के बारे में सोचें जो भारत की पहचान से जुड़े हैं, जो भारत को आधुनिक और विकसित बनाने में मदद करें। मुझे पूरा भरोसा है आपके सपने देश के संकल्पों से जुड़ेंगे और आप आने वाले समय में देश के लिए अनगिनत कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, सभी मेरे बाल मित्रों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।